Hey guys, good evening. Welcome back to my channel. तो guys, आज है मेरा बर्थडे. तो इस बर्थडे के दिन मैं ऐसे ही पागल पागल काम करती हूँ क्योंकि मेरा मन ना बहुत खुश खुश रहता है. अरे वाह, मेरा बर्थडे है ऐसा सोच के. तो देख सकते हैं मैं नहा के एकदम रेडी होके नया ड्रेस पहन के ब्लॉग स्टार्ट किया है. तो अभी बज रहे घड़ी में 1 बजने वाला है, 5-10 मिनट बाकी है. तो सुबह से तो मतलब जल्दी जल्दी उठ गई थी लेकिन बैक टू बैक बहुत सारा काम था और मोबाइल बीच में ऑफ हो गया था और उसके ऊपर सब कॉल भी कर रहे थे. तो इसी में मैं इतना बिजी थी कि वीडियो व्लॉग स्टार्ट करना मतलब हो ही नहीं पाया. तो मैंने सोचा ठीक है, जब सुबह एकदम शुरुआत से स्टार्ट नहीं हुआ है तो एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हैं. अभी मैं बाल सुखाऊंगी और जाऊंगी किचन में. तो कल तो मैंने रिवील नहीं किया था, मतलब भाई रिवील करने नहीं दिया कि कैसे हम लोग डेकोरेशन करेंगे ये वो. तो कल हम लोग हाइपर लैब्स में कुछ शॉट्स जो है लिए थे. तो चलिए आप लोग वो हाइपर लैब्स एंजॉय कीजिए, तब तक मैं बाल सुखा लेती हूँ, फिर जाएंगे किचन में. और अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी आ जाए. तो चलिए हाइपर लैब्स एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं. उसमें तो आप लोगों ने देखा ही है कि कितना सुंदर करके भाई ने ऐसे लगाया. तो लास्ट ईयर भी भाई ने ऐसे ही लगाया था. और ये कुछ गिफ्ट मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स ने भेजा है. और ये रहा गुलाब जामुन और यहाँ पे राइस जो है बना के ऐसे ठंडा करने रखा है. तो इसका भी जीरा राइस बनेगा. तो चलिए किचन में चलते हैं. किचन में मम्मी ने ये सब अभी रेडी करके रखा है, दोपहर में खाने के टाइम देगी ये सब. और कार्ड वर्ड के सब और चिकन और ये लूची होगा. डिनर का प्रिपरेशन चल रहा है. ये है मशरूम और मशरूम और चिकन का एक ग्रेवी बनने वाला है. और कल जो दूध फट गया था उससे मैंने ये मलाई कोफ्ता बनाया है. तो चलिए इसे काट के जल्दी से गैस में लगा देते हैं. अभी फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लग जाएगा. और ये जो चिकन है वो मशरूम स्पेशल चिकन बनने वाला है. और इस मतलब ये वाले रेसिपी के साथ जीरा राइस मतलब माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है. और मुझे ये पर्सनली रेसिपी बहुत पसंद है, मतलब 2-3 दिन मैं बैक टू बैक ही खा सकती हूँ और बनता भी बहुत जल्दी जल्दी है. तो राइस मैं स्पेशली डिनर के लिए बना रही हूँ. जो लोग मतलब जो मेरे दोस्त और जो फैमिली लोग रात में स्टे करेंगे तो उनके लिए राइस स्पेशली बना रही हूँ. तो चलिए मेरा चिकन तैयार हो जाए, राइस को भी लगाना है और मशरूम भी कट करना है. तो ये सब रेडी हो जाए फिर आप लोगों से मिलते हैं. चलिए ये होता है अपन जीरा राइस. ये तो बात की है, ये तो एक कोले पे एक बार दबा जाए ना. ना ना लेयरिंग होता है ना. कत दूर बाकी है अपन तले रन्ना. ये तो चिकन का ये वाला अच्छा ग्रेवी होवे. इधर रेडी हो, रेडी हो मां. गाइस अभी तंदूरी मसाला बनाने के लिए एक ग्रेवी रेडी हो रहा है और चिकन मेरा यहाँ पे हो चुका है. और तंदूरी का जो है मैरिनेशन करके अभी इसमें फ्राई करूँगी. और तंदूरी का पैकेट भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया है. तो एक पैकेट में मैंने रखा था ऐसे करके. तो गाइस ऑलमोस्ट क्या कुकिंग मेरा खत्म हो चुकी है और घर में बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं. और अच्छा दूधोना पुतो बोलो, मतलब जो दोपहर के खाने के टाइम होता है वो मेरा अभी हुआ नहीं. और अभी बच चुका है 7 बज चुका है. तो अभी मैंने बोला ठीक है एक मिठाई के साथ कर दो. कौन आया है? ओ भाई आया है. ठीक है तो सबको मिला लेती हूँ. ये है मेरी मेरी दीदी, मैंने मेरी मासी मौसी की लड़की. तो मेरा केक का जो हुआ वो डिजास्टर ये अभी सही करने आई है, मतलब सेल कर चुकी है केक लेके आई है.
और अभी केक टेस्ट भी करेंगे। बहुत खुश हुई थी मेरा केक जब उसे पता चला कि मैं केक नहीं बना पाई, एक्सप्रेशन दे रही थी। आई जस्ट गिव इन अ वॉलंटरी हेल्प, खरीद के ले आए कुछ भी हो। और यहाँ पे आए हैं मौसा जी मोबाइल। तो मैं शो की बोलता चाहूंगा जन्मदिन है এই জন্মদিন যেন প্রতি বছর ফিরে আসে বারবার। এই এটা হচ্ছে বেস, এটা হচ্ছে গুরু লোকের কথা। আর ইয়ে হ্যায় মেরি মৌসি জিনকি বাত মে কল কর রহি থি। আরে ভাই জন্মদিন ফিরে আসে বাবা সাজে যাবে তাই। বার্থডে মতলব মৌসি কা হাত কা খানা ইয়েই হ্যায়। আর হাম লোগো কে পুরে গুষ্টি মে জিতনা অকেশন হোতা হ্যায় কুকিং কা জো শেফ হ্যায় মতলব हम लोगों का खुद का शेफ ये रहे। नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं ये हम लोगों का खुद का शेफ है। अभी इनको मैंने बोला है आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, आपका उम्र हो रहा है, मतलब नहीं उम्र तो देखने में लग रहा है कि वो रहे नहीं हुआ है, तो ठीक है थोड़ा बहुत आप भी रेस्ट कीजिए, हम लोगों को भी करने का मौका मिले। और मम्मी ड्रेस अभी पहनी नहीं है, ये हाथ हिलाती रहती है। चलो घाम हो गया, पूरा भीग गया है। अभी हेयर ड्रेस से सुखाऊंगी और चलिए रेडी होके आप लोगों से मिलते हैं। चलिए फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं पहना है ये पिंक कलर का एक ड्रेस। भाई आएगा तो भाई को दे दूंगी मोबाइल और पूरा लुक मैं शेयर करूंगी। तो गाइज आज ये बर्थडे वाला स्पेशल लुक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और गेस्ट आना स्टार्ट हो चुका है तो चलिए उस घर में चलते हैं और सबसे मिलाते हैं। चलिए तो सब आ चुके हैं। हाय नमस्कार दादा, लाइट जला। थैंक यू। अरे वाह एक साथ वाह, थैंक यू। सब जो गिफ्ट हुआ है सब एक साथ रख देते हैं, नेक्स्ट ईयर ऑक्शन में देंगे। तो चलिए और देखिए भाई कितना सुंदर डेकोरेशन किया है और पिंक के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। वाह अरे मुझे कौन डा हमने जगह कम हो चुका है और मेरी मौसी बेलून फोड़ने में माहिर है, तो ताकि ये बेलून का जो पिलर्स है ये हिल ना जाए इसलिए सब ने मिल के और लाखों बेलून फुला चुके हैं।
और सारी मेहनत है, मैंने खुला है सब। हाँ, सब ने मिलकर मेहनत किया है। और ये वाला चश्मे की मैं बात कर रही थी, लास्ट ईयर मैंने लिया था और इस बार मैं कुछ अलग लेके आई हूँ सबके लिए। तो जब केक काटेगा ना तब आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कैसे इतना सारा बैलून एक सेकंड में फट गया। तो बैलून फूला के कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि निमंत्रण खिलाने से पहले इतना काम करवा लिया, मतलब पेट दर्द हो उसके पहले हाथ में दर्द होना चाहिए। आ चुकी है मेरी फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया में देखे होंगे, चाइल्डहुड फ्रेंड है। और एक फ्रेंड तो नहीं है, बाहर घूमने गई और एक फ्रेंड अभी तक आई नहीं, पता नहीं डिच करने वाली है कि नहीं। अब और वो डिच करने में माहिर है, शोरमिस्टर डिच करने में माहिर है। और आए हैं रोमा बोदी है। कोरोना घुस सकता है, कोरोना निकल नहीं सकता, ये वो वाली दीदी है। और ये राजूदा है, मतलब इनको भी कुकिंग बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट ईयर मैं उनको भाड़ा करने वाली हूँ, इस साल मेरे हक का से चला लो, नेक्स्ट ईयर ये पूरा रन्ना खुद ही कर लेंगे। और जीजा जी आए हैं 10 बजे और प्रेमिका के साथ लगे हुए हैं। तो चलिए अभी 10 बज चुका है, अभी केक काटेंगे। चलिए फाइनली, मतलब ये सब 9:30 बजे आए हैं, थैंक गॉड आए हैं। फटने के लिए तैयार हो रहा है, ওগুলো হচ্ছে স্পেশাল বেলুন ফোলানো হয়েছে এখন, মাসি ফাটাবে। তো কেক আ রহা হ্যায়, কেক আ চুকা হ্যাঁ, আবি ভিড় বড় চুকা হ্যায়, কাউন্সিলর কেক কাটনে বলে। रोमा बोदी और राजूदा के साथ फोटो नहीं हुआ है। मौसी बैलून फोड़ने के लिए एकदम तैयार, मेशो के साउंड कम होने वाला, मेशो साउंड कम हो, एक रेस्टोरेंट में जाते प्रॉब्लम आता है, जो पास से सीन दिया। बार बार दिन ये आए, बार
बार बार दिल ये गाए तू जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू सुनील हैप्पी बर्थडे तो गाइस अभी खाना दे रहे हैं तो खाया गांठा दो तो ये तंदूरी मोमो और ये कबाब और ये आज केक के अलावा सब कुछ घर में ही बना है तो कैसा बना है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लाजवाब एकदम लाजवाब। और ये एक जन तो खा के पेट फूल करके अभी बेलून लेके बैठी है बैठा है कैसा लगा? अच्छा बहुत अच्छा ना थोड़ा अच्छा बहुत अच्छा। और कौन सा बेस्ट फलो लगा छे हमर रवि जो एटा आई थिंक इट इज तंदूरी मोमो। यस तंदूरी मोमो बहुत अच्छा लगा छे और कौन सा बेस्ट एटा हमर हमर एटा खूब ভাল লাগে যে এটা কেপপ আইডলের মানে একটা ব্ল্যাক পিঙ্ক স্টাইলের একটা থিম আছে তাই জন্য আমার বেশি ভাল লাগে। ओ मतलब भाई का ये डेकोरेशन उसे अच्छा लगा है ठीक है वो खा लेता है अभी मिठाई भी आना बाकी है। क्या चल रहा है खाना तो कैसा लग रहा है खाना? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा स्पेशली कौन सा वाला है? सब स्पेशली बोलते सब स्पेशल है यहां पे। अच्छा पियाली दी माय फ्रेंड बनाया ना খেয়েছিলাম নতুন জিনিস देखो चांद आया चांद नजर आया 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 এর জন্য Oi, Dad!
दमादार डांस किए और फिर से जाएंगे डांस करने, तो मैं ड्रेस चेंज करने वाली हूँ और ब्लॉग को मैं आगे नहीं बढ़ा रही हूँ और एनर्जी नहीं है। किसी भी कारण से अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एवरीथिंग, हाँ मतलब जो जो आता है सब कुछ कर दीजिए। चलिए आज के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द, चलिए।